एक ये भी पत्थर है जो शीशे में पैक करके रखे हैं सब यार पत्थर को, इतना खास पत्थर है ये। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग शुरू कर रहे हैं शाम को 3 बजे। चलते हैं यार थोड़ा सा कहीं घूम के आते हैं, पार्क वगैरह में। मूड पूरा डिस्टर्ब है, दिन भर इतना सारा काम हुआ है ना, और इसलिए सुबह से ब्लॉग शुरू नहीं कर पाया, अभी शुरू कर रहा हूँ। और अभी मैंने सोचा कि चलते हैं पार्क वगैरह में, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। तो आप भी चलो मेरे साथ इंजॉय करो, घूमते हैं यार, थोड़ा सा रिलैक्स होना बहुत जरूरी। सॉरी अभी मैं अगर पीछे गया होता ना तो इसके जस्ट नीचे गया होता। हम ना यार मन के राजा हैं, पता है। हमारा मन कर दिया कि ये करना है तो धूप हो गर्मी हो बरसात हो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ करना है तो करना है। और अभी भी इतनी तेज धूप है, 3 बज रहे हैं, गर्मी का मौसम है इसलिए धूप भी तेज है। तो ऐसे धूप में भी हम निकल जाते हैं बाहर। सबसे पहले चलते हैं म्यूजियम में, म्यूजियम देखते हैं अंदर जाके कि क्या क्या है इस म्यूजियम में। अरे यार क्या है इस म्यूजियम के अंदर, कितनी भयंकर वाली भीड़ लगी हुई है। देखते हैं एंट्री कहाँ से है। यहाँ एक पोपट हो गया, सॉरी अंदर हम फोन नहीं ले जा सकते, फोन यहीं जमा होगा। लेकिन अब टिकट ले लिए तो हम अंदर जाएंगे, फोन जाए या ना जाए। सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाया सारी चीज़ें, बट यार क्या करें, कोई नहीं अंदर जाते हैं फिर उसके बाद आके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। जस्ट पीछे है म्यूजियम, अंदर यार फ़ोन कैमरा मैं लेके आ नहीं पाया और फ़ोन अलाउ नहीं है आप अंदर लेके जाना। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं पार्क में, क्योंकि 5 बजे सारा बंद हो जाता है, मेरे हिसाब से 5 बजे बंद हो जाता है। तो अंदर चलते हैं, अफसोस मत करना कुछ ज़्यादा नहीं था, नेक्स्ट बार कैमरा लेके आऊँगा सारी चीज़ें दिखा दूँगा। 10 रुपये के टिकट देख के मैं समझ गया था कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। इतनी भयंकर वाली भीड़ है ना, इतनी कड़क धूप में भी। ये देख रहे हो लाइनें, लोग टिकट बनवाने के लिए, लोगों की हालत तक खराब है। You sick of my madness? Don't you tell me what I supposed to do? You're better off without me. अभी जस्ट मुझे मिली है पार्क में एंट्री, 20 रुपये का टिकट है और मैंने अभी जस्ट खुद से ही ऑनलाइन बुक किया है, खुद से ही लिया है टिकट। और यार धूप बहुत तेज लग रहा है, इतना बड़ा पार्क है ना। पत्थर आप देख रहे हैं ना, इनकी भी बहुत बड़ी खासियत होती है। और ये पार्क में आपको पेड़ पौधे से ज़्यादा ना पत्थर दिखेंगे, और हर पत्थर की कोई ना कोई खास बात है। ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना पत्थर है, मतलब ऐसा कहते हैं कि 6वीं या 7वीं सदी का ये पत्थर है सब। और इसीलिए ये पार्क फेमस भी है यहाँ पर। ये जो आप ईंट देख रहे हैं ना, आजकल तो ऐसी ईंटें बननी भी बंद हो गई हैं, ये मतलब हर जगह, मतलब पत्थरों की अलग अलग सदी की क्वालिटी यहाँ पे दर्शाई गई है। और इसके जस्ट बगल में जो म्यूज़ियम मैंने आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि कैमरा था नहीं मेरे पास, तो वो उस म्यूज़ियम में भी यही सारी चीज़ें थी। मैं आपको थोड़ा सा और पास से सारी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे जहाँ हम हैं, ये आराम से इस पे बैठो, इस पत्थर पे। और आपको पता है मतलब यहाँ पे इस ऐसे पत्थरों को इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि ये जो पत्थर है ना, इनकी अपनी अलग अलग वैल्यू है। और धूप इतनी तेज़ है ना कि मेरी हालत भी ख़राब हो रही है। तो आप ब्लॉग देख के इंजॉय करो यार, लाइक ज़रूर करना। इतनी तेज़ धूप है ना कि पसीने मेरे देख के आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत भयंकर वाला धूप है। फिर भी लोगों की गजब की भीड़ है यहाँ पे। You sick of my madness? Don't you tell me what I supposed to do? You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do? When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my bright makeup, it's part of me,
खतरनाक खतरनाक जगह बनाया गया है ना इसके अंदर, ये देख रहे हो आप। आपको अंदर चल के दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, ये एक आकस्मिक वेदी का रेलिंग। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा पत्थर शीशे में पैक है। इस पत्थर को कोई छू नहीं सकता। अंदर से आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। एक ये भी है। ये अलग अलग मतलब ना कैटेगरीज के अलग अलग पत्थर को दर्शाया गया है यहाँ पे। ये किस सदी के हैं और ये पत्थर जो हैं किस चीज़ों से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें इस पर बताई गई हैं। और सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी रिसर्च करनी पड़ेंगी, बट जहाँ तक मैंने समझा है यही चीज़ें हैं। यार इतनी तेज धूप है, हालत खराब है मेरी, लेकिन फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। और वीडियो लाइक के बिना जाना मत। पत्थरों वाले पार्क में कितनी गर्मी लग सकती है ये आपको अच्छे से पता है, तो भाई साहब लाइक होना चाहिए वीडियो। थक जाने के बाद यहाँ पे आपको विश्राम की जगह भी मिलती है। कुछ पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं थोड़े बहुत, जिससे आप बैठ के आराम कर सकते हो यहाँ पे। बट भाई सच में यार धूप इतनी तेज है ना, और पता है इन लोगों को थोड़ा सा ना रात को खोलना चाहिए। तो फाइनली अब 5 भी बजने वाला है, तो अब यहाँ से निकलना होगा मुझे, क्योंकि 5 बजे पार्क बंद हो जाता है ना सारा। एक ये भी पत्थर है जो शीशे में पैक करके रखे हैं सब। यार पत्थर को इतना खास पत्थर है ये। इस पत्थर पे कुछ लिखा भी है जो कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो अगर आपको पढ़ने आता है तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूंगा, आप अच्छे से पढ़ के समझ जाना क्या लिखा है। बट कुछ तो खास बात है यार इन पत्थरों में कि ऐसे ये पत्थर मतलब सजा के रखे गए हैं एक तरह से देखा जाए तो। हेलो हेलो, इतने क्यूट लग रहे हैं ना दोनों। तो अभी हम चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं यार। बहुत हो गया, जितना भी आपको दिखाया सारी चीज़ें काफ़ी बेस्ट है, लेकिन नॉलेजफुल जगह है। जिन्हें हिस्ट्री के बारे में जानने का शौक़ है वो इस पार्क में आ सकते हैं, काफ़ी बेस्ट पार्क है। म्यूज़ियम भी सेम इससे रिलेट कर रहा था जो आपने अभी देखा। और मैं ढूंढ रहा हूँ अभी ऑटो, ऑटो आया नहीं है। ऑटो आ जाता है तो चलते हैं, पैदल जाने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर भाई। फाइनली सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जो हालत ख़राब होती है ना, वो कहीं हालत नहीं खराब हो सकती। तो ये मुकाम हमने पूरा कर लिया 3 मंजिले पे सीढ़ी चढ़ के, इतने सारे सामान के साथ। हालत ख़राब हो जाती है यार, लेकिन पैदल जितना चलोगे पसीना जितना निकलेगा बेनिफिट उतना ही होगा, और ये बेनिफिट मैंने खुद पे फील किया है, और इसलिए मैं पैदल चलता हूँ।